बुरहानपुर में नवल सिंह शक्कर कारखाने में कार्यरत पवन पाटीदार ने कारखाने के वाहन प्रभारी ना होते हुए भी किसी अन्य निजी वाहनों में स्वयं की मर्जी से डीजल पेट्रोल डलवाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिस कारण उन्हें कारखाना हित में तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग पूर्व डेलीगेट उज्ज्वल पाटिल ने की है। पूर्व डेलीगेट ने कहा कि बुरहानपुर के किसी भी वाहन में डीजल या पेट्रोल डलवाने की स्वीकृति कारखाने पदस्थ वाहन प्रभारी द्वारा दी जाती है, जबकि पवन पाटीदार वर्तमान में वाहन अधिकारी भी नहीं है, फिर भी उनके द्वारा बिना अधिकारी के निजी वाहन में साप्ताहिक अवकाश के दिन डीजल डलवाया गया है। ये कारखाना हित में नहीं है, इसी के लिए पवन पाटीदार को तुरंत निलंबित किया जाना निश्चित ही कारखाना हित में होगा। नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना बुरहानपुर जिले का एकमात्र एक ऐसा उद्योग है जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा काम चल रहा है। पवन पाटीदार द्वारा एक ही वाहन में एक बार पेट्रोल डाला जा रहा है, एक बार डीजल डाला जा रहा है। इस प्रकार से यानी ऐसा कोई वाहन नहीं देखा जिसमें पेट्रोल से भी चले और वही वाहन डीजल से भी चले। इस प्रकार से वो बिल पेश कर करके और एक नहीं अनेक बिल पास कर रहे हैं और बिल के पैसे निकाल ले रहे हैं परस्पर। ये हमारी शिकायत है नवल सिंह में कारखाने में कार्यरत एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट पवन पाटीदार के खिलाफ है। पवन पाटीदार जी जो है वो पूर्व में भी 3 बार सस्पेंड हो चुके हैं और बिना कोई जांच के वो फिर से उस संस्था में पदस्थ हो गए और फिर उन्होंने आदतन उन्होंने फिर इस बार और गलती कर दी। इस बार उन्होंने हमारे कारखाने के वाहन छोड़कर किसी अन्य वाहनों में डीजल पेट्रोल डलवाया है, जबकि निर्वाचन आचार संहिता लगी हुई है। इस प्रकार से ये उल्लंघन की श्रेणी में आता है तो उन्हें बिल्कुल तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। और उन्होंने उनको कई बार हमने समझाइश देने के बावजूद भी वो अपनी आदतें नहीं छोड़ते हैं और इस हेतु हमको शिकायत करना कलेक्ट्रेट आना पड़ा।